कार्यक्रम हमारे माटी पानी का सफ़ेद देखदरों ते हमारे तरफ बेटी के नमस्कार सेवा सौ दिया देखदरों आज गालकन बीमार चली छा जी हाँ सभी बिगड़ा छिन कोरोना वायरस की लेकिन हमारा घर गाँव अभी भी बहुत सुरक्षित छिन वो इले कि आप सब लोग चंट चितला छिन। अब हमारे माटी पानी कार्यक्रम का खातिर भाई हम गाँव गया तो जा नहीं सकते ना तो गए छो हम आपका खातिर गए छो हम कगोमा आप तो बिंग दो हमल बोले कि जो हमारा वन का अधिकारी छिन वन का कर्मचारी छिन ये कन के काम कर दो बोला जंगल में जो जंगल बचाना छिन जो हमारे माटी ते बचाना छिन जो हमारे पानी ते बचाना छिन तो हम भी गोवा जनपद पौड़ी गढ़वाल का लैंस डाउन वन प्रभाग का जंगल में तो चल दो और देख दो कि वहाँ का लोग यानी कि वहाँ का अधिकारी वहाँ का कर्मचारी और वहाँ का हर लोग कन तरह से जंगल से बचाना छिन। देख दे रहो हमारे माटी पानी आप बने वाला कि आज ये गए भी बन माटी पानी को जी हाँ सही बिगड़ा छिन आप हम छवा जन हमारे पहले बताया जाए कि हम छो जनपद पौड़ी गढ़वाल का लैंस डाउन वन प्रभाग के अंतर्गत यो एक जंगल छ और जंगल ना बल्कि हमारे जीवन छ किले की जी वन है ना तो जीव तभी छ जब वन छिन तभी हमारे जीवन छ और यह जीवन जो छ बहुत ही अद्भुत और निराला छ और हमर बीच जो हमारे जीवन ते बचाना छिन जंगल ते बचाना छिन पानी ते बचाना छिन और माटी ते बचाना छिन इन योद्धा हमारे बीच छिन नना बल्कि मिछुओं का बीच आज लैंस डाउन वन प्रभाग में मेरा एक तरफ हो लोग छिन और हैं का तरफ हैं का लोग। अब बात कर लो पहले हमारे जो बैं तरफ छिन भेजा आपका नाम इतेंद्र बर्थवाल है। मैं लैंस डाउन वन प्रभाग में बंदर होगा हूँ। ये जंगलों के जो गांव कच्चा पको अच्छा गांव हमारो पौड़ी जना छे फिर भी गांव नाम गगवाड़ छ पट्टी बलोड़ी गांव बलोड़ी गांव बलोड़ी गांव। हां जी अकूरदार कबड्डी छो ये विभाग में काम करे विभाग में मेरे को 12 13 साल हो गए अभी। हां जी कल लग बहुत बढ़िया लगता है यहां जंगलों में घूमना यहां रहना इन जानवरों के साथ या उनका साथ में उनकी सुरक्षा करना यही हमारा काम है। ऊँदगड़ी तो जीवन बहुत बड़ी है और ऊँदगड़ी हम बहुत उनके लिए सुरक्षा के लिए बहुत काम करता इना उना गश्त लगता और उनकी सुरक्षा में रहते हैं हम तत्पर रहते हैं बिल्कुल तैयार रहते हैं। हम देखिए घुर घुरी देखना चाहिए क्या नाम से भेजा आपको जरा इन ऐसा हो दी हम आते और बोलोला मुख पर मास्क लगा के लिए क्या बात है ये आजकल जो ये कोरोना चल रही बीमारी यहाँ वजह से जो ये मास्क जरूरी चाहिए सैनिटाइज भी लगी दगड़ी ये जंगलों में भी सैनिटाइज खपड़ू हाँ साहब खपड़ों तो करनी तब खपान खपान पूर्ण होता बेमन लग जाए तो कर देना मन। हाँ आप वन विभाग में कई पद पर छी मैं ड्राइवर पद में छो एक ये हमारे रेन साहब छी दरोगा साहब छी मैं ड्राइवर छो बहुत सुंदर तो इन्हें उन्हें सब गाड़ी आप जान पड़ दे जी 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 सब जगह पे जान पड़ दे। जब कभी कभार कोई हाथी या कोई जंगली जानवर हो जिन जन खतरनाक या भाई तेंदुआ चा बाघ चा इन दिखे जाने वाला हाँ कर के दिखे जाने जब आप देख दिन जानवर होते तो की कर दिन क्या साफ दिन दिन गाड़ी चलाने से लेके और अनुमान पर जन कोई जानवर अगर दिखे गया तो दूरी गाड़ी रोकन पड़ दो आकन और यो जो पहले बेहतर रास्ता देन पड़ दो तब बेहतर जान पड़ दो जी इनके लिए इन आखन की कम से कम यो कि जंगल भी सुरक्षित रहे अंदर फिर जानवर डर भी नहीं चाहिए ना तर यूँ गाड़ी का डोलो तो देखे अंदर गाड़ी जानवर नहीं डर जी।
कौन कक्षा आपको मैं नाम नहीं पूछ यहाँ नाम आनंद सिंह छ और मैं जो छ दुगड़ा रहन में दुगड़ा घर छ मेरे और बच्चा भी किरण दी सब किरण दी मेरा दुई दुई छ एक लड़का छ एक लड़की छ भाई पास दो भाई जी उन्हें मुकर में चापा को आप जन हमारा छो आप शुभ नाम मैं राकेश बुढ़ा कोटे दैनिक सर में मैं वन विभाग में छू अच्छा अच्छा गाँव के चाप ये बसूर कदा दूर से बड़ी यह बड़े का डोगड़ा बड़े 8 किलोमीटर बड़े अच्छा तो घर के नौ कितने जी हाँ जी है यह कम बड़े दुगड़ा दुगड़ा बनी ने जी अब घर भी जान लो कभी कब आ रही है हाँ हफ्ता दो हफ्ता मचा और बाकी बाकी अखिरन कहाँ लग गया बड़े लगो में था कि लेकिन लोग ये प्रकृति तक खुजाना कौन ये जगह आना कौन तो लोग रुपये खर्च करना चीन जी है ना और आप ये रहे कि रुपये भी प्राप्त करना चीन कम सुंदर बस क्या करता साहब ये काम तो हमते एक साल हो गया फिर भी हम मन लग गया ये काम नोटियाल जी जी आज कचड़ लगी कल लगनो सब कुछ बहुत बढ़िया से लगनो आज काफ़ी दिन बाद इन समय आए थे कि हम सब लोग साथ बैठे हैं और बहुत कम इन वक्त लग जब हम इन्हें बैठ पाते क्योंकि हमेशा ही नई नई चुनौतियाँ रहनी है और हमेशा जंगलों में इतना काम रहना चाहिए कि हमें कभी आस पास में बैठने का मौका भी नहीं मिलता आज आपका बाना जो था हम ये मौका में मिली से बड़ा अच्छा लगना चाहिए सर टीम चल आप दगड़ी बड़ी एक सेना और आप सेनापति छिन ये सब कुछ कनकन होंदा कनकन आपते ये लोग मदद कर दी कन कर दी के काम कर दी बस सेनापति अकेला कुछ भी नहीं छे हमेशा बस ये सेना छे जो जो भी करता छे ये करता छे बस मैं तो बस एक तरह से जो भी हमें जो काम रहो बस यूँ लोगों के द्वारा दगड़ा जो है हंसी खेली थे हम लोग कर दे रहे थे और बहुत मजा आता है इन लोग से कि बस हम लोग जंगल नहीं अपना घर में छे और ये जंगली जानवर हमारा परिवार का सदस्य छे और मैं बिल्कुल ये बात मैं महसूस भी कर छे और जब मैं ये सेवा में आई छे तो मैं पहली भी कई सेवा में छे राज की सेवा में लेकिन मैं बहुत सोच समझता ये सेवा में आई छे और मैं मेरे अपने विचार छे कि ये सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं छे इस दुनिया में क्योंकि हम प्रकृति माँ की सेवा करता छे यूँ जानवर तें जो कुछ नहीं बोल सकता वही की भाषा का नहीं समझना क्या तय छे दो और मैं पिछला कुछ वर्ष ही जो हमारा अनुभव छे थोड़ा सा छे लेकिन जतक्या भी छे वह में ये देखने में आए कि हम काफ़ी हद तक जो छा अपना कार्यों में सफल होना छे और हमारा बड़ा अधिकारी द्वारा हमारा साहब लोगों द्वारा जो भी हमें आदेश दिए दो हम बिना सोची समझी हमारा मकसद ही नहीं रहो कि हम तय पर विचार विमर्श करूँ बिना सोची समझी हमारी जो टीम छा हमेशा चाहे मैं रात 2 बजे जाओ चाहे 12 बजे जाओ कई भी वक्त जो छा हम तैयार होना छे और हमारी सेना बहुत प्यार से जो है सब लोग बड़ा हंसी खेली थे काम कर रहे थे वैसे मैं तो एक अच्छा बांसे गाँव से मैं अरे जेरिखा ब्लॉक में नाम क्या था आपका नाम सत्येंद्र सिंह रावत है कदा साल बड़ी काम करना से मैं तो 10 साल होगी 10 साल 10 साल चाहिए फॉरेस्ट गार्ड चाहिए यहाँ तो भाई फॉरेस्ट गार्ड को तो बहुत बड़ो योगदान रहें जंगल है बचाना को हाँ जी हाँ बहुत कन के सुरक्षा के काम कर दो कब तक लगे रहो 24 घंटा हाँ हम तो 24 घंटे गश्त कर दो गाँव गाँव में जा दो लोगों से भी संपर्क कर दो और लोगों से भी ये रह दें दो ना कि ये जानवरों के बारे में कि भाई कि देख रेख करना में हर चीज़ में डाला बूटा नहीं काटो पेड़ लगाओ ये वो रहना हमारा मलाड़ा जुग जो यहाँ बगीच है उसमें बिल्कुल एक नई चीज़ यहाँ से जो इन बांस से यहाँ जगह यहाँ बैम्बो को नहीं मतलब यह अलंकारी बांस है यह बारे में यह बताल कि मतलब यह विशेषता के सन और क्या काम होने का दे रही हूँ बहुत बढ़िया धन्यवाद बांस तो बहुत प्रकारों को लेकिन यह जो पीलवाल बांस हूँ ये को अलंकारी बांस यह भी कही जाए और वहाँ 40-45 साल में बीज अभी ख़राब हो जानी और जदूला बीज ऊपर गिरूँ तो हिदू मुस पैदा हो जानी कि पलग उन समस्या पैदा जाए लेकिन यको अगर एक हजार लगाई जाओ तो 100 साल पूरा भू सकलन और आपदा जैसी स्थिति उड़े न हो तो जाना चेक डैम नहीं बननी या रोड न कटान होना भू सकलन हो अगर दूजी तीन तीन लाइन में यको रिहू चारी काट बेला हम लगे जो ये उसीला लग जाए ये एक सबसे ठूल फैच
तो यह कागा तो मूल लगाई और के फायद मिलो जहाँ यह पानी टैंकी नई नई बननी वहाँ मूल लेना रोपण कर रखो और जैसे हाइडिल बन नई विभाग यहाँ बढ़ना भी बहुत ज़्यादा पेड़ों नुकसान बहुत हो तो कुरबेर हम 50 पेड़ उनको एक दी उन्होंने लगभग क्षेत्र में उनको लगाई गरुड़ नंदा स्मृति बाटिका मेला डूंगरी में हम वो भूसकलन वाले एरिया छू तो उमला हम 40-50 पेड़ एक लग रहे हैं और कई लोग यहाँ पर ले जाते रोनी और मंडल शहर स्कूल में तुवेड़ी स्कूल में और कांटा में गरुड़ में कई विद्यालय में लोग ने लोगों को आप स्कूल में लगे थे बच्चों को लोग बताऊँ और ये अवेयर में समझू तो लोग यहाँ अपनी तो बहुत बहुत छू रोजगार लीजिए बहुत फर्नीचर ले एक बार सो तो मुंगा रेस में अलावा और के तुम्हारे पास ये पौध लगा रखी जैल की जो समाज को और पर्यावरण को जो फायद पहुँचू ये अमूल मुंगा रेशम बाद मणिपुरी बाजियाँ लगा रहा तो जस हम चीड़ा जंगल सन हम बाँस को पावड़ में बहुत 40-50 साल में जंगल बढ़ो लेकिन तब तक मणिपुरी बाँस यहाँ चीड़ा देखिए बहुत बहुत शब्द दोनों ये लीजिए हम मणिपुरी बाँस लगा रहो और यह बीज जमावल बिल्कुल 95% छू जो हम पहाड़ा बाँस छू वो बिल्कुल 2-3% बीज जमाव छू और बहुत ज़्यादा भी रख रखाव छू हम बाँस में पजड़ लूँ यह में जरा पजड़ लूँ और जो हिसाब से मुगा रेशम चलू तो ये मतलब मुगा रेशम में कीड़ पाली जानी तो ये लीजिए हम एक प्रचार प्रसार बनिया और फ्रूट लीजिए हमारे पास जो अखरूट पेड़ छन उसी अखरूट नवंबर दिसंबर में जनवरी में लगाई जा लेकिन हम ये सब गमलों में बड़े रखी ताकि जो आदमी आउनी उन्हें हम पछाण कर दू की उन्हें हा भवा कह छू उस हिसाब से उनको अखरूट दिन मतलब मौसम हिसाब से मतलब कम ऊंचाई छे या उच्च ऊंचाई छे और उस हिसाब से तुम उनको यह पौध उनको तैयार कर दिशा बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों को अखरूट लगुण अपन वहाँ लगुण तो चाहिए लेकिन वो जाग सब लगुण चाहिए जहाँ फल ठंडे आब हुआ छू और पहली बेला उन्होंने एक इतिहास हूँ कि पुराण प्रेरणा अखोड़क छन तो उन्होंने नई अखोड़ लगन चाहिए ये न सोचना चाहिए कि बानर आनर कदू क्या खाल नुकसान होल कम से कम आदूल बंदर या जंगली जानवर नुकसान खाला आदू तबले आदमी ने लीजिए बढ़ जाए और लकड़ एक बहुत मजबूत छू और तय पत्ते हत्ते कहें अलमारी हलमार अपन अनाज अनाज में धरी जाओ तो इसलिए कीड़ी नहीं लागन। अच्छा ये पर्यावरण के जल संवर्धन लीजिए तुम्हें के उपाय करें और कदू विभाग में जो मदद करी तुम वही बारे में जरा हमको जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। लगभग अब 1990-91 जो मेल अपन माता जी नाम पर देवकी लघु बाटिका स्थापना करी तो मैं आयल तक में करीब 150 प्रजाति जो यहाँ लसून में उद्योग में लगाई और जाग जागन स्कूल और वन विभाग और कदू एनजीओ ने दिखे या सामाजिक संगठन ने दिखे मिलजुल भी लगाई तो उन्होंने जो हम एक शहीद शांति मन बड़ा उनमें हिदू करीब 15 हेक्टेयर में आयल उनमें एक ये हिसाब से सघन बड़ो जो हम उस समय पेड़ लगाए कि 2x2 1x1 में लगाई लेकिन उनको वह देखने में ऐसी पूछे कि तुम्हें बहुत नजीक लगाए नहीं लेकिन आज हम विदेश में स्कीम उनको देख भी अपन प्रदेश अपन देश में सघन बन बहुत लग रही है तो मैं आए लोगों को कहूँगी जो हिसाब से हमारे मुगा रेशम बाटिका बड़े रखी उस हिसाब से हम कह एक देखोना लीजिए या प्रैक्टिकल जी सरकार जाग में या कोयला बंजर जाग में सघन बन बड़े भी मुगा रेशम बाटिका या मणिपुरी बाँज लगे भी लोग सघन बन बड़े भी अपन आय प्राप्त कर सकूँ और जो हमारे शहीद शांति बन छू हमारे पानी लेवल बहुत कम हो गई थी लेकिन आज उन्हें बहुत ज़्यादा पानी और बहुत बहुत हमारे सिंचाई जहाँ उनको के इस पानी परेशानी नहीं दूसरा अमूल यहाँ जो धौलानी जल स्रोत छू घुरचिन्या धार को नहीं उम्र करीब 5000 पौध उम्र लगाइन तो उन्हें हर साल उम्र पानी उ एरिया में बढ़ते जाना और पूरा जजी परिवारक और वो एरिया जो इंटर कॉलेज बागेश्वर छू छात्र छात्र वहाँ के अध्यापक लोग ने बहुत यह संरक्षण करो कि आज वहाँ एरिया में उनको बहुत शानदार हरियाली नजर उड़े और एक नक्षत्र बाटिका हम कलना क्षेत्र में बढ़ा है जिसमें करीब 73 प्रजाति हम लगाई 2009-14 तक लगातार जो आज एक बहुत बहुत शांतिवन में बढ़ो पंथो कौराली में 2013-14 में एक शांतिवन बढ़ा हमूल तो अपन हिसाब से शांतिवन नाम धरा थी लेकिन पूर्वेर जो उन्हें वन विभाग 5 उन्हें कार्यक्रम मनाई गो तो उस दिन उन्हें एक नाम ले शांतिवन प्रस्तावित करी। अच्छा तो समाज का के संदेश देना चाला अपने पर्यावरण को बचाना लीजिए मैसेल तो कोयले हिसाब अपन माँ बाप ने चारी प्रकृति सेवा करण चाहें और पेड़ पौधे देखे हिंदू प्यार करण चाहें अगर उन्हें भी लगाए नहाना जब कह अगर वोट लगे रखी तो उन्होंने बचाने पूरा कोशिश करण चाहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे किशन सिंह मल्ला जी बड़ प्यार हमों को बिल्कुल दे और समाज वाले जी बहुत बढ़िया संदेश दे कि अपने महबाबू चारी अपन नंदनू चारी बिल्कुल प्रकृति वाला प्यार करण चैन। उत्तराखंड को विकास कन होलो पलायन कन के रुकोल सुन दे तो हम बहुत छो पर यहाँ पर कोई कुछ कनुज आज हम रुद्रप्रयाग का एक इन्हीं शख्सियत दगड़ आपक मुलाकात कराना छो जो एक महान काम धीरे धीरे शांत होकर कन पर लगे आओ मिलो ये कलाकार थे। दर्शकों अब हम आखिर पहुंच गए हैं कोट मल्ला जंगली जी का जंगल में और हम आपसे दिखाना चाहा कि ये जंगल में अलग अलग तरह के यूं का पौधे छे ना लगाया हूं और डाला बोटे पौधे जो भी लगाया छे ना जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण काम भी करना छे। हम एक दिखला रिंगाल चाय पत्ती जो मतलब हम सोच भी नहीं सकता तो अब यहाँ बारे में हम आपसे पूछला कि आपक ये इधर सालक जो कहानी चा और कन के एक तरफ पहुँचवा एक प्रेरणा का बड़े मिल आपते की अब पूरी कहानी आप जरा हमारे दर्शकों तक। ये एक घटना 40 साल पहले बात चे मैं सीमा सुरक्षा बल में सेवारत चो छुट्टी आई तो जो पहाड़ को एक दर्द रहे हमेशा जो महिला छन हमारी पहाड़ की वो चारा ईंधन में ना लाखड़ा घासू घास जंगल में जाना ने भटकता छन कई गिर जाना ने घायल हो जाना ने मैं तो सोचने पर मजबूर कर दिए कि क्यों वो लोग दर्द पैदा हुई मेरे मन में कि अगर ये को हम कखे न कखे अपना गाँव में नज़दीक कोई विकल्प दे सकूँ तो शायद है कि यो अग्नि जेते बहुत परिवर्तन ओलो। और मैंने यो काम यो मेरे बंजर छो तो मेरे पापा जी मेरे पिताजी बोले कि बेटा और कखी काम के कन हमारो पुराणो बंजर पड़ू छे तो वे बंजर माँ कुछ काम करते वो कर तो मैं ये बंजर मान डाला डोवा लगाना शुरू करी बनी मनिया किस्मत डाला मैं शुरू पलटी की समस्या जमीन की छे माटू तो सब होगी छो बिल्कुल कराल जमीन भैग से बांध छो तो जन बांध छन उत्तराखंडा और तो मैंने ये तय बड़ा संरक्षण कर मिट्टी को संरक्षण मिट्टी को उपजाऊपन मिट्टी तय कई प्रकार से जैसे वे माँ उत्पादन हो लो वे पर काम शुरू करी ये गो प्रोटेक्शन को काम शुरू करी कि ये चौतरफा जो वनस्पतिक बाढ़ लगे जो जैसे कि और नुकसान कोई कम हो ये दौर से माग नहीं गुजरते क्योंकि कि हम बानी बानी के प्रकार का मैं घास लकड़ा औषधीय किस्म का आंवला हेड़ा इनमें ही डाव लगाना शुरू कर दगड़े दगड़ी मैन ये 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 तय करके मैन बायोमास बनाना शुरू करी ये का पत्तू की खाद बनाना शुरू करी। अब वही खाद से क्या हुआ कि जमीन में उपजाऊपन आने बैठी घास होने बैठी बानी बानी किस्म में घास होने बैठी और वह का दगड़ी मैंने फिर अग्नि चलता चल दी ये माँ आजीविका ढूंढे कि ये का बीच में मैं कुछ आजीविका भी अपनी जोड़ू वे जोड़ माँ मैं इनके करके ये खूब मैंने चाय पत्ती भी लगाई अदरक लगाई हल्दी लगाई इलायची लगाई और दाल लगाई सब्जी ये तरीके से मेरी आमदनी को स्रोत भी बने। आपके जो एक ये डाला लगाया छे ना जो आप ये पौधा रोपण कर दो वहाँ है ना तो यख का स्थानीय पौधे छीन वो कि आप भैर बटे भी लोग कुछ शुरुआती दौर में मैं स्थानीय प्रजाति तय महत्व दी मैं पता चो कि जो स्थानीय प्रजाति छ हमारी वो तय अगर मैं लगो लो बांध बुरा काफल जो डाओ छ गेटे जो भी छा हमारा तिमला खैना कचनार तो वो जल्दी ग्रो करला और जमीन मैंने वो लगाने ग्रो कर शुरू कर गए और तब वे दगड़ दगड़ी में फिर भैर बढ़ते उस प्रकार डाव भी लगाना शुरू करी तो ये मेरे काम सतत गति से अग्नि बढ़ रहे और जो ये वो बायोमास पत्तियों की जो मैंने खाद बने वो एक फायदा ये हुए खाद की खाद बने और वाटर को कंजर्वेशन संरक्षण भी हुए और यही वजह थी कि ये जंगल का जड़माई पानी को स्रोत भी फूट गए। अच्छा एक अलावा आप पेड़ पौधों के अलावा आप खेती बाती भी करती ना गोर बछर भी छे ना एक अलावा क्या क्या बना क्या करते आप मैं एक बात जान जी पहाड़ में रहो तो पहाड़ी बनी तरह रहना पड़ो हमारे बुजुर्ग रहे आनंदमय जीवन उन जिए वे वजह से मैं भी आज गाँव में रहूँ खेती कर दूँ गाय बच्छी छा हमारा
तो घर को खानो, घर को दूध, घर को पानी, अशुद्ध पानी, धारा मंगड़ों को पानी, ये जंगल में मेरे लगातार काम रहे 40 साल, तो ये खिजुटियों रहे और 20 साल तो मैं लगातार काम करना बात, तब जंगल बणिक बह रहे, तब तो अखबार वगैरह में छपन बैठे, तब लोग होते हैं जानकारी हुए भाई, यही यही ये जंगल की जो सबसे बड़ी खूबी है। और आज ये जंगल तई अग्नि बनो, मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, संघर्ष करी, अब जैसा वन विभाग और ये जंगल तय स्वीकार करी और उन बिल्कुल अब मिश्रित वन के अवधारणा तय स्वीकार कर ली और अब इन्हीं माया जंगल जंगल जंगलात्मा भी लगन की बात शुरू होगी और यो शुभ चिंच जैव विविधता बल्डी तो उत्तराखंड को पानी सतत रोल। चारा ईंधन लकड़ी घास जो हम तो हमारे पहाड़ी के आवश्यकता थे वो तो रहे थे, लेकिन वे का दगड़ा दगड़ी जो पानी को स्रोत विकसित होगी ये पर मैं जो पूरा ध्यान फोकस यू करिए कि किले यू पानी निकले, तो मेरा पूरा मानना है पानी केवल एक विषय से नहीं निकल दो, पानी ते पांच चीज चाहिए, पांच पंच तत्वों में एक तत्व तो जल तत्व, तो पंचभूतों में जल तत्व भी तभी होगा जब उसके लिए सारे तत्व एकत्रित होंगे। उसमें क्या है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, बायोडाइवर्सिटी है और कम्बिनेशन ऑफ प्लांट है, तब पानी आता है। और ये देखे ये स्रोत है जो मेरा, इसके विकसित होने में एक ही बात है कि जो मैंने ऊपर मिश्रित वन लगाया और उसका जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, कॉम्बिनेशन का मतलब बांज ब्रास अया काफल पहिया, ये जब मैंने लगाए और इसके साथ जो मैंने झाड़ियां विकसित की चमलाई और इसोल किरमोड़ और जो जो मैं इकट्ठा करें और दगड़े दगड़ी मालू मावा झील, तो ये भी जरूर क्या करेगी पानी तक संरक्षण करी। अब आप ऐंच देखा सारी नमी हुई, एक जब ऐंच किलोमीटर दूर तक नमी संरक्षित होगी और बायमास पड़ियुच जंगल में मिश्रित वन का वजह से जो पड़ियुच बायमास जब बरखा होनी चाहिए तो वो कई दिन तक तो वह नमी चे, तो वो डाला क्या करना, वो नमी ऐंच तो मिल जानी, तो उठा बहुत ज़्यादा पानी आवश्यकता नहीं पड़ी, ये जो वो पानी छोड़ना चाहिए वो पानी आप सामने ये सामने चाहिए यख मुड़ निकली। अब ये पानी निकलना जो मेरे बार बार बोलने चाहिए कि धरती तय खोदना, यूं गड्ढू मानना दबा धरती तय खड्डा बने बने तय न करा, पानी तय जैव विविधता को संरक्षण करा, बांस बिना अयास काफल चमलाई की झाड़ी कुंजा कुंजा की झाड़ी कुंजो कनाली तुम लो यूं तय एक सम्मिश्रण बने तय, तब जैसा पानी संरक्षित हो लो और पानी जब संरक्षित हो लो तो कहीं ना कहीं भैर फूट लो, कहीं ना कहीं भैर फूट लो और पानी पूजा करा, बिना पूजो पानी नहीं होने। तो आपन देखें कि जूल कतना बड़ो काम करी, कतना भल भला काम करे छिन प्रकृति बचाण का खातिर और सर जीवन भर काम ही करना रहें और ई उम्र में भी अभी प्रकृति ते बचाना छिन। तो अब फिर लौट दो पौड़ी गढ़वाल तने और पौड़ी गढ़वाल को रिखणखाल क्षेत्र एक बहुत प्रसिद्ध जगह छ और वक्त प्रसिद्ध धाम तड़ासर देवता को, तो तड़ासर में कन कन काम करना छिन, कनके लोग वक सेवा पानी करना छिन धरती की भी और तड़ासर देवता की, तो चल दो तड़ासर जने। जंगलों को दारोमदार
भंड के उन लोगों का कंधों में रहेंदा जो ये इथापुंडा का छिन स्थानीय छिन या नौजवान छिन। एक छोट बुलाम समेट बुलाक नाम। नमस्कार भाई जी, मेरा नाम राहुल सिंह छ, मैं ग्राम अंगड़ी छो। आया कखया छो तुम जुगु? हम भाई जी, हम गोर चराना गया छे, गोर बकरा लेंदो हम तो रोज आना रंदो एक ताड़ के सर में पानी पीना दो, पानी लेक जंदो गोर बकरा एक चरन दो एक डाल उला देखना रंदो हवा ठंडी पानी डाल गोर एक ये भीतर तो नहीं चराने ना पल ना ना एक भीतर नहीं चराने भाई जी। कक छिन कतो दूर छ जे गोर तुम्हारा? गोर जब वो छ ने तार बाड़ छ जो बाउंड्री छ ने ताड़ केसर मंदिर है वे एक बेर चढ़ना हम गोर जन यू डाल लगाया छी हमर एजीएस ग्रुप पर लगाया छी डाला हमरा जो छी भाई साहब जी हम तो जे बोलण हाल पर चाहिए जी पाड़े छी। हां 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 उन डाल लगाया छी तम ते बहुत खुशी उनके हां हम भी आंदा छ जब तो हम देख द छ डालो थे कि कोई तोड़नो तो नहीं है कुछ इने उने ही हां देख द छ हम अपन गांव का डालो थे लगाया जो कोई भी छ मतलब कैल भी लगायो ना ताड़ के सर मच्छ लगत कोशिश ही रहे कि हमारे कोई जंगलों में आग नहीं लगाओ आग लगा के भी बहुत नुकसान होंगे जो छोटे छोटे डाला रही जल जी वैसे तो कह नुकसान हो जाते वैसे तो छोटे छोटे जानवर मर जी और छोटे छोटे पेड़ पौधा और आग लग जब तो वे बात पानी भी सूख जान दे। तो बहुत सुंदर सोच और वास्तव में जो लोग घर को मचिन अरे बोलल बहुत सुंदर बात बोलेल कि जंगलों में जब आग लगदा तो सबसे बड़ी समस्या पानी का स्रोत भी पानी का छुआ मंगर भी सुख जंदी। आपल बिंगल कि जो पर्यावरण वो हमकुन कदगा महत्वपूर्ण छ। बहुत सारे लोग ये पर्यावरण ते बचाने का खातिर दिन रात काम करना छिन, कुछ गांव वाला करना छिन तो कुछ विभाग वाला भी करना छिन, लेकिन अन्याड़ करने वाला भंडे छिन। तो आशा कर दूँ कि आज को ये माटी पानी कार्यक्रम से आपल कुछ न कुछ बिंगुल और समझोल। तो आज कार्यक्रम बस एक मिनट तक, एक दिन फिर भेंट हुई, तब तक खातिर नमस्कार।